अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब ने ही कामयाब होना है। एडिसन जो है ना 67 ईयर्स का था, तब उसके पास एक दिन क्या हुआ कि वो फैक्ट्री में काम करके आया, डेली थक कर उसका घर बहुत करीब था। जैसे ही वो घर में एंटर हुआ, खाना खा के भी वो सोने के लिए जा ही रहा था कि उसके पास एक वर्कर भागता हुआ आया जिसकी नाइट शिफ्ट थी। उसने आगे बताया कि सर फैक्ट्री में आग लग गई और आप आगे देखें, और आग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब एडिसन वहाँ गया तो एडिसन ने देखा कि 5 मंजिलों तक आग बढ़ चुकी थी और उसके तमाम लेब्स, तमाम लेबोरेटरीज, तमाम प्रोटोटाइप्स, तमाम रिसर्च उसकी जो है ना वो जल रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में सर, एक बंदा जिस जो कि 67 इयर्स का हो, जिसने अपनी पूरी जान लगाई हो, पूरी ज़िंदगी लगाई हो किसी कंपनी को बनाने में, फैक्ट्री को बनाने में, और उसमें आग लग रही हो, तो उसने जाहिर सी बात है उसने रोना धोना ही करना है। लेकिन एडिसन ने अपने बेटे को क्या बोला कि जाओ आप घर पे घर वालों को बुला के लाओ। क्यों? क्योंकि ऐसी रंगी बिरंगी आग हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आग इतनी फैल चुकी थी, क्योंकि केमिकल से वो आग लगी थी, तो इसलिए वो आग जो है ना वो हरी और जो है ना वो येलो नज़र आ रही थी। इसीलिए उसने कहा कि जाओ आप घर वालों को बुला के लाओ, क्योंकि ऐसी रंगी बिरंगी आग हमें दोबारा कभी भी नहीं मिलेगी देखने को। सर, डील विथ फेलियर्स के साथ ना सबसे बड़ी बात यह है कि फेलियर को आप एक्सेप्ट करें। मसलन एडिसन जाता वहाँ रोता, एडिसन जाता वहाँ जो है ना बड़े शोर में जाता, लेकिन एडिसन ने ऐसा नहीं किया। एडिसन ने क्या किया, एडिसन ने अगले दिन न्यूज़पेपर के अंदर जो है ना अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। उसने कहा कि मेरी उम्र 67 ईयर्स है और मैंने अपने आप को ये समझाया कि मेरा कल से जो है ना वो करियर स्टार्ट हो रहा है और अब मुझे सोचना है कि मैंने कल से क्या करना है। एडिसन ने इसके बाद क्या किया, एडिसन ने हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड टायर की टायर का उस वक्त मालिक था, हेनरी फोर्ड से एडिसन ने बहुत बड़ा लोन लिया। और उस लोन के बाद उसने क्या किया कि उस साल उसने और उसके इन्वेस्टर्स ने 5 गुना बड़ा बिजनेस किया, यानी कि जो पहले बिजनेस वो लोग करते थे 5 गुना ज़्यादा किया। और कैसे किया, किसी ने उससे पूछा कि आपने ये मतलब आपने इतना सब कुछ हार देखने के बाद, इतना बड़ा फेलियर देखने के बाद, जो ज़िंदगी भर की आपका काम था वो जल रहा था आपकी आंखों के सामने, उसके बाद आपने इस फेलियर से कैसे निपटे? तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने ज़िंदगी में इस तरह के बहुत फेलियर्स देखे हैं। क्या कि जब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एम होता है ना, बहुत बड़ा मकसद होता है, या बहुत बड़ा काम कर रहे होते हो, तो ये लाजमी सी बात है कि वहाँ छोटे मोटे और बड़े भी कभी कभार फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं, इनको एक्सेप्ट किया जाए। इसीलिए यहाँ हमें उसकी कहानी से ये बात समझ आती है कि सर जब आप नेगेटिव इमोशंस को अपने पे हावी नहीं होने देते ना, तो तब आप फेलियर से डील करते हो, यानी फेल होने के बाद भी आप अपने आप को नेगेटिव इमोशन से बचा के रखते हो। कैसे बचाओगे, एक्सेप्ट द थिंग जस्ट द वे इट इज़। मियामोटो मिसाशी, जिसने अपनी किताब पूरी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन वॉरियर रहा जापान का, वो पूरी ज़िंदगी का आज भी उसका बहुत बड़ा नाम है, उसने मरने से पहले जो अपनी किताब लिखी थी जिसमें 21 रूल्स उसने दिए थे, डोकोडो, जिसका उर्दू में तर्जुमा है द आर्ट ऑफ लिविंग, तो उसने ये कहा था, उसमें उसका पहला प्रिंसिपल ये था कि एक्सेप्ट द थिंग जस्ट द वे इट इज़, यानी चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर लो जैसे कि वो हैं। जिसे हम कहते हैं कि कोई शख्स बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के मुराद के मतलब वो प्रैक्टिकल बात करता है। ऐसे ही एडिसन ने कहा, मैं जानता था कि लग चुकी थी आग, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये हो सकता है कि मैं कल से इसको कैसे बेहतरीन बनाऊंगा, इसीलिए मैं जानता था कि मुझे लोन भी चुकाना है, मुझे जो है ना वो बिजनेस भी खड़ा करना है, मुझे वर्कर्स को भी देना है 7,000 सर, जिसकी कंपनी में लोग काम करते हैं उस वक्त, तो सोचें उसकी कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, वो दुनिया में कितने नंबर पर टॉप पर होगा, तो ज़ाहिर है उसको जीरो से सफ़ा शुरू करना था। तो वो कहते हैं मैंने अपने को समझा लिया कि मेरा करियर कल से ही स्टार्ट होने वाला है, और फिर मैंने पूरा साल जानवरी, इसीलिए हमने 5 गुना बड़ा बिजनेस किया। तो सर इस कहानी से हमें समझ आती है कि एडिसन ने जो ना अपने ऊपर नेगेटिव इमोशंस हावी नहीं होने दिया। हालांकि हम तो यहाँ पे एक बच्चा तैयारी करता है टॉप करने की, अगर वो नहीं कर पाता तो वो बड़े नेगेटिव हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो सर नेगेटिव इमोशंस को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दो। और दूसरी बात है, एक्सेप्ट द थिंग जस्ट द वे इट इज़, क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल मोटिवेशन को अख्तियार करते हो, और प्रैक्टिकल मोटिवेशन से मुराद ये कि आप जानते हो कि ये हो चुका है, अब जो करना है उसके लिए आप स्ट्रेटजीज बनाते हो, जो कि एडिसन ने भी बनाई, इसीलिए उसकी कंपनी दोबारा चमक उठी। अच्छा, यहाँ पे एडिसन की दूसरी बात समझ में आती है, जब वो ये कहता है ना कि जो है ना जब आप बड़ा काम करते हो तो फेलियर आपको बड़े बड़े भी देखने पड़ते हैं और उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा ख्वाब कभी बना ही नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिलेगा। असल में ना हमारे बिलीफ सिस्टम में एक बात बैठ चुकी है कि भाई एक्सपेक्टेशंस, कि हमें तो कभी कोई दुख पहुंचेगा नहीं, हमें तो कभी कोई फेलियर देखना नहीं पड़ेगा, हमारे साथ तो कभी कोई बुरा हो ही नहीं सकता। सर दुनिया ऐसे नहीं है, दुनिया असबाब के साथ अल्लाह ने जोड़ी है, और आप पे भी मुसीबतें आएंगी, आप पे भी बहुत बड़े बड़े फेलियर्स आएंगे। असल चीज़ ये कि आप उस फेलियर से कैसे निपटते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत छोटा जो है ना वो बना लो अपना गोल आपका बड़ा ही होना चाहिए। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, नॉट फेलियर बट लो एम इज़ द क्राइम,
इन ग्रेट अटेम्प्ट्स इट इज़ ग्लोरियस इवन टू फेल। उसने कहा था कि छोटे गोल्स बनाना क्राइम है, जुर्म है, ना कि फेलियर। फेलियर तो आप हज़ार दफ़ा देखो, और बड़े बड़े ख्वाबों के अंदर तो फेलियर खुद एक ग्लोरियस स्टैम्प होती है, यानी कि बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, क्योंकि उस फेलियर के बाद ही आपको पता चलता है कि यार जब मैं इतना बड़ा कुछ अचीव करने जा रहा हूँ तो उसके अंदर ये जो फेलियर आ रहा है तो मुझे इससे कैसे निपटना है, यानी आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हो। अगली चीज़ सर फेलियर से निपटने की, देखें न्यूरो साइंस भी आज ये मान चुकी है कि आपकी तमाम जो एक्शन और रिजल्ट हैं, बल्कि एक्शन तो फिर भी पहले आता है ना, रिजल्ट एंड है, आपके तमाम दुनिया के नतायज जो इस टाइम आपने हासिल किए हुए हैं, ठीक है, सक्सेसेस हासिल की हुई आपने सर, वो तमाम की तमाम आपकी बुनियाद जो है ना उनकी वो इमोशंस हैं, यानी आप ऐसी फीलिंग महसूस करते हो। वो कहते हैं इमोशंस आपको महसूस कराते हैं कि आप किस तरीके से महसूस करने वाले हो चीज़ों को, यानी फेलियर्स को या कामयाबियों को, और वो जो कामयाबियाँ या फीलिंग्स हैं ना, बेसिकली जो आपको इमोशंस आपको फील करवा रहे हैं, फीलिंग्स असल में थॉट्स पैदा कर रही हैं, थॉट्स एक्शन बनाते हैं, एक्शन से रिजल्ट आते हैं, यानी जैसे एक्शन होंगे रिजल्ट वैसे ही आएंगे, लेकिन रिजल्ट एक्शन के लिए क्या थॉट्स आपको चाहिए, थॉट्स के लिए फीलिंग्स इमोशंस चाहिए। इसका मतलब ये कि मैं यही कह रहा हूँ, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को अपने पर हावी ना होने दे, ब्रेक द बिलीफ सिस्टम ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अपनी जो आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं चीज़ों के साथ कि आपके साथ तो कभी कुछ बुरा होगा नहीं, उन बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करें। आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ सर, एक बात आप याद रखिएगा, जैसे आज आप देख लें, आप जिस भी उम्र के अंदर हैं, इस उम्र से 2-3 साल पहले उठा के देखें अपनी ज़िंदगी को, उस टाइम जो आपके फेलियर्स थे, आज अगर आप उन्हें याद करेंगे तो सर आपको उसके ऊपर हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि फेलियर्स मेक्स यू बेटर, वर्क ओनली ऑन योर एटीट्यूड। अगर आप अपने एटीट्यूड पे वर्क करते हो तो फेलियर ने आपको सिर्फ और सिर्फ बेटर ही बनाया होगा, यानी 2-3 साल के पहले के जो फेलियर्स थे आज आप याद करोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। तो सर इसलिए फेलियर से कभी भी ना घबराएं, अपना एम बड़ा रखें, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर डाला होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।